विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल द्वारा बैजनाथ में शौर्य प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ग में प्रदेश के 16 जिलों के 102 शिक्षार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि देश तथा प्रदेश के अंदर धर्मांतरण किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। अगर सरकारों ने इस तरफ जल्द उचित कदम नहीं उठाए तो विश्व हिंदू परिषद को सेकेंड क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने पर विवश होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज मुस्लिम जिहाद और ईसाई मशीनरी द्वारा हिंदू समाज के भोले भाले लोगों को गुमराह कर जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया जा रहा है, जिसे हिंदू समाज कतई सहन नहीं करेगा। कानून बना है, सरकार उसके लिए बधाई की पात्र है, लेकिन उस कानून में कुछ कमियां हैं, जिसका लाभ ईसाई मिशनरी ले रहे हैं। धर्मांतरण का खेल पूरी तरह बंद होना चाहिए इस देवभूमि में। ये जिहादी और मिशनरी मिलकर इस देवभूमि में आग लगाना चाहते हैं। ये धर्मांतरण रुके, ये मिशनरीज के भी हित में है, और उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, बंद करिए अपना काम, ये अवैध काम है। यदि करने पर नहीं रुके, हमें हिमाचल के अंदर ही एक सेकंड क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा, और ईसाई मिशनरियों हिमाचल छोड़ो, ये बात हमको करनी पड़ेगी। आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हम बहुत अभियान भी पहले से ज्यादा तेज पकड़ रहा है, जो गया है उसको वापस आना ही है, ये हमारा संकल्प है। और इस संकल्प को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आगे चल रहा है। देश का माहौल सुधरे, हिंदू का शौर्य सामने आए, और आया भी है इन दिनों में, इसलिए पूरे देश के अंदर एक सशक्त जन जागरण का अभियान शुरू किया जाएगा। अभी हमने एक लिस्ट जारी की।